Welcome back. In this particular video, we are going to solve a case study based question for Unit 2, that is database query using SQL. And as you can see in your screen, इस video session में हम जिस case study की बात कर रहे हैं उसमें total 7 different questions हैं. और साथ ही ये video session उन सभी students के लिए काफी useful है जो फिलहाल information practice class 12 को learn कर रहे हैं. Actually, what I am doing is one case, one video, which means I'll discuss and solve only one case study in one video. And similarly make different videos for different case studies. So this is case study number 2, or we can say part number 2. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. Chale seekhte hain aur seekhne ke saath saath samajhte bhi hain. But before that I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time ya aapne abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai. And if you really like this video then please don't forget to like and share it as well. So, चलिए देखते हैं आज का केस क्या है और इसके क्या क्या क्वेश्चंस है और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो. एज यू कैन सी यहाँ पर हमने एक टेबल रेडी किया है स्टूडेंट के नाम से. एंड वी कैन सी यहाँ पे 8 डिफरेंट फील्ड्स हैं लाइक स्टूडेंट नंबर, क्लास नेम, गेम, ग्रेड, SUPW, ग्रेड 1 एंड मार्क्स. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. And the question number 1 is saying that display the name of students who are getting grade C in either game or SUPW. In the sense, हमें उन सारे students के name को display करना है जिन्होंने या तो game में या SUPW subject में और you can say the category में grade C हासिल किया हुआ है. And because हमने यहाँ पे term use किया है either, जो कहीं ना कहीं indicate करता है और को, इसका मतलब या तो game में C हो या SUPW में grade C हो, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से कि यहां पर जो ये क्वेरी हमने ऑप्शन नंबर 1 में या ए में लिखी हुई है यूजिंग दिस एंड, ऑब्वियसली ये रॉन्ग होगा. इसके अलावा बाकी 3 में जहां पे हर जगह हमने और लिया है, हम उन्हें कंसीडर कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग दैट वी जस्ट हैव टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स. सो दैट जब स्टार की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. इसका मतलब बी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन. एंड आफ्टर दैट जब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं जहां पे हम नेम को डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है. देन ऑब्वियसली फ्रॉम स्टूडेंट दैट इज ऑल्सो राइट. एंड वेयर इट इज सेइंग दैट ग्रेड शुड बी सी और यू कैन से द ग्रेड 1 इक्वल टू सी, तो ये हमारा आंसर सही हो सकता है. चलिए एक बार डी ऑप्शन को भी देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, गेम एंड SUPW. इसका मतलब इस ऑप्शन को हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे हमें सिर्फ नेम ऑफ स्टूडेंट को डिस्प्ले करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट माय सी, दैट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इक्वल टू सी और ग्रेड 1 इक्वल टू सी. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज सेइंग दैट राइट SQL कमांड टू एड ए न्यू कॉलम डेट ऑफ बर्थ. प्लीज इग्नोर दिस मार्क्स वर्ड हियर, इट इज टेकन बाय मिस्टेक आई थिंक. सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट हमें इस पर्टिकुलर टेबल में एक नया कॉलम एड करना है डेट ऑफ बर्थ के नाम से, उसके लिए हमें कमांड लिखना है. नाउ वी ऑल नो दैट कि जब भी हम किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की बात करते हैं, देयर वी ऑलवेज टेक वन क्लॉज विच इज नोन एज व्हाट अल्टर टेबल. और इस अल्टर टेबल की मदद से हम डिफरेंट तरीकों से अपने टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. यहां पे चूंकि हम बात कर रहे हैं नए कॉलम को ऐड करने की, इसका मतलब ऑब्वियसली जब हम अपना कमांड लिखना शुरू करेंगे इट विल ऑलवेज बी अल्टर टेबल. एंड इसके बाद में हमारे टेबल का जो नाम है दैट इज माई स्टूडेंट, सो मैं इसे यहां पर लिख लूंगा. एंड देन चूंकि मुझे यहां पर कॉलम ऐड करना है, तो इसके लिए जो हम यहां पर कीवर्ड या क्लॉज या कॉन्स्टेंट यूज करते हैं दैट इज माई एड कॉलम. एंड आफ्टर दैट वी शुड टेक द नेम ऑफ फील्ड दैट इज माई DOB. एंड नाउ वी ऑल नो दैट कि जब भी हम किसी फील्ड को एड करते हैं उसके साथ हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है बिकॉज इट इज डेट, सो वी कैन टेक इट टू डेट. एंड इसके अलावा यदि आप चाहें तो यहां पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक नॉट नल, लाइक चेक कॉन्स्टेंट, इस तरह के अलग अलग कॉन्स्टेंट या डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट आप यूज कर सकते हैं. फिलहाल मैं यहां पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं ले रहा हूं, बट आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट एंडिंग विद दिस सेमी कॉलन नाउ. सो दिस इज माई SQL कमांड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एड दिस न्यू कॉलम इन दिस गिवन टेबल. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
इट इज सेइंग दैट लिस्ट डिफरेंट गेम्स ऑफर्ड बाय स्कूल. इन द सेंस हमारे इस टेबल में से हमें ये जो गेम का कॉलम है इसमें जितने भी हमने गेम्स के नाम लिखे हुए हैं उन्हें डिस्प्ले करना है. एंड इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल दैट हमने जो भी गेम का नाम एक बार डिस्प्ले किया है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग दैट सेलेक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट. तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ उठा के डिस्प्ले कर देगा जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है. सो इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. नाउ ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग सेलेक्ट यूनिक गेम फ्रॉम स्टूडेंट. आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया है यूनिक. ये यूनिक कीवर्ड बेसिकली एक कॉन्स्टेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम जब टेबल को डिफाइन करते हैं तब करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी फील्ड को या उसके डेटा को हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो यूनिक होने चाहिए तब इसका इस्तेमाल किया जाता है. डेटा यूनिकली डिस्प्ले करने के लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. इन द सेंस ये भी रॉन्ग होगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम, सो वी ऑल नो दैट डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड होता है ये 100% डेटा को यूनिकली डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. या जैसे आप देखें इस गेम कॉलम पे ये क्रिकेट तो एक दफा है लेकिन जब आप टेनिस को देखते हैं इट इज रिपीटिंग ट्वाइस. सो जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे गेम के साथ तो ये सिर्फ एक बार इसे कंसीडर करेगा. एंड ऑप्शन नंबर डी में भी हमने वेयर में डिस्टिंक्ट क्लॉज को इस्तेमाल किया है विच इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट इट. सो हम इस डी को इग्नोर करेंगे यहाँ पे. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज सेइंग दैट इंक्रीज मार्क्स बाय टू नंबर्स ऑफ ऑल दोज हु आर गेटिंग ग्रेड बी और अबव इन गेम. इन द सेंस हमारे इस टेबल में हमें सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को टू नंबर से बढ़ाना है. बट कंडीशन हमारी ये है कि जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड बी हो या इसके अबव हो उनके ही मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए. सबसे पहली बात तो ये ग्रेड बी और अबव का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि या तो आपका ग्रेड बी हो या इसके अबव इन द सेंस आपका ग्रेड ए होना चाहिए. यदि आपके या किसी स्टूडेंट का ग्रेड सी होगा तो उसे हम या उसके मार्क्स को हम इंक्रीज नहीं करेंगे. अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं इंक्रीज मार्क्स बाई टू ऑब्वियसली यहाँ पे हम ऑपरेशन देखेंगे एडिशन का. अब इन दोनों बातों को यदि हम ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहला ऑप्शन में तो सीधे सीधे आप देखिए मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस टू बिल्कुल सही है. एंड इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे मार्क्स प्लस मार्क्स इनटू इसने यहाँ पे 0.2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया है जो कहीं ना कहीं परसेंटेज के टर्म्स में बढ़ाने की बात कर रहा है. तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो एग्जैक्टली होगा ही नहीं. एंड देन ऑप्शन नंबर सी में ये बोलता है अपडेट स्टूडेंट वे ग्रेड इन दिस एंड देन सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस टू. यहां पर आप देखेंगे वेयर क्लॉज को इसने पहले लिया है उसके बाद ये मार्क्स को सेट करने की बात कर रहा है. हम जब भी किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं किसी भी टेबल के और उस दौरान यदि हम अपडेट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हमेशा वेयर क्लॉज हम सेट स्टेटमेंट के बाद में इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा. एंड लास्ट में ये कहता है अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस टू बिल्कुल सही है वेयर ग्रेड इन ए आइदर बी. और यहां पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है हमने यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है. वी ऑल नो दैट ये जो मोस्टली सिंबल हम यूज करते हैं ये ज्यादातर एप्लीकेबल होता है इंटीजर्स पे या फ्लोट्स पे या यू कहें न्यूमेरिकल डेटा पे. बिकॉज हमारा जो बी है वो कहीं ना कहीं एक अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेट है या कैरेक्टर टाइप का डेटा है. इस वजह से हम यहां पर इस ऑप्शन को भी इग्नोर करेंगे. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डेफिनेटली माई डी. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. सेलेक्ट सब एसटीआर नेम कॉमा 1, 3 एज नेम्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर गेम इन क्रिकेट एंड टेनिस. आप इस क्वेरी को ध्यान देंगे तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल किया है. बेसिकली ये एक टेक्स्ट फंक्शन है सब एसटीआर. सब एसटीआर का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका पर्पस होता है जो भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट जिसका आप स्पेसिफिक पार्ट को ही लेना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं उस दौरान हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं. इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं वो बेसिकली सबसे पहला तो होता है फील्ड नेम, देन द स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड देन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेरी का आउटपुट डिस्प्ले करना है.
और यहाँ पर एक कंडीशन भी दी हुई है कि जो हमारा गेम है वो या तो क्रिकेट होना चाहिए या हमारा टेनिस होना चाहिए। तो इसका मतलब जो आउटपुट होगा उसमें हम समीर देन क्रिकेट इन द सॉरी टेनिस इन द सेंस सुजीत एंड वीरेंद्र, इन तीनों को हम सिर्फ आउटपुट में देखेंगे। इन तीनों स्ट्रिंग को ही हमें क्या करना है, एक्चुअली इसके स्पेसिफिक पोर्शन को हमें डिस्प्ले करना है। सो यहां पर चूंकि इसने पहला कैरेक्टर बोला है फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर डिस्प्ले करना है और टोटल 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें डिस्प्ले करने। इसका मतलब तो ये जो 4 कैरेक्टर्स के ऑप्शन है ये तो पहले ही हम इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इस दौरान आप देखेंगे कि स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर से होनी चाहिए। अब यहां पर स्टार्ट कर रहा है ए से, मतलब दिस इज माई ए। इस सेकंड में आप देखेंगे ये यू से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये जो ए है या ये जो यू है ये कहीं ना कहीं हमारा सेकंड कैरेक्टर है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को भी इग्नोर करेंगे। बचता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर आप देखेंगे स्टार्टिंग हमारे एस से हो रही है, सैम मतलब फर्स्ट कैरेक्टर है एंड देर आर टोटल 3 कैरेक्टर्स। सिमिलरली सुजीत के एस से भी स्टार्टिंग हो रही है और वीरेंद्र के वी से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डेफिनेटली माई ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी कैन ऑल्सो सी यू नो हाउ एंड वेन वी कैन यूज दिस सब एस टी आर फंक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले टूडे द डेट इज करेंट डेट। ये बेसिकली एक मैसेज है जिसे डिस्प्ले करने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड लिखना है। इस मैसेज का हमारे इस टेबल से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है जहां हम समझेंगे कि किस तरह से हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को एक फंक्शन के साथ में। फंक्शन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि हम यहां पे करंट डेट को डिस्प्ले कर रहे हैं। करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे MySQL में जो मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इज आइदर करंट डेट दैट इज कर डेट या फिर हम ले सकते हैं करंट अंडरस्कोर डेट। इन दोनों मेथड को इस्तेमाल करके हम करंट डेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो यदि हम इस फंक्शन के आधार पे इस ऑप्शन को देखें तो हमने यहाँ पे करंट डेट लिखा हुआ है जो कि गलत है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी पे भी हमने करंट डेट लिखा हुआ है जो कि अगेन रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी को तो हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। नाउ ऑप्शन नंबर ए यदि आप रीड करें, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट टूडे द डेट इज देन प्लस करंट डेट। जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे ये रन तो होगी लेकिन हमारा जो आउटपुट है इट शुड बी लाइक टुडे द डेट इज, जो भी आज की डेट हो वो दिखनी चाहिए उसके बाद में। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ आपको आज की डेट डिस्प्ले होगी और ये जो टुडे द डेट इज मैसेज है ये इसके फील्ड नेम के बेसिस के रूप में आपको ऊपर में डिस्प्ले होने लगेगा लाइक दिस टुडे द डेट इज। सो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही नहीं होगा। यहां पर जो क्वेरी हमारी सही वर्क करेगी दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहां पर हमने इस्तेमाल किया है कॉन्कैट मेथड का। कॉन्कैट मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को हमारे करंट डेट के साथ कंबाइन करेगा, ऐड करेगा एंड देन उसके बाद में हमारे स्क्रीन में ये मैसेज कुछ इस तरह से ही आएगा जैसा हम अपने क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। करंट डेट की जगह यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा आज का डेट, से फॉर एग्जांपल 2021-01-03। So this is how we can understand the output or you can say the result of this particular question. Let's move to the next question now. It is saying that Rahul has written following SQL command to display name and marks of his students. This is my query जो राहुल ने लिखी हुई है जहाँ पे ये try कर रहा है select name and marks को truncate करने की और उसके बाद उसे display करने की obviously from student table. But he is not able to remove decimal parts of marks completely. एक्चुअली राहुल ये चाहता है कि वो जो मार्क्स को डिस्प्ले करे, यू कैन सी दिस इज माई मार्क्स जो कि एक फ्लोटिंग नंबर है, यहां पर आप देखेंगे यहां हर एक मार्क्स में 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं। ये चाहता है कि ये दोनों डेसिमल पॉइंट्स यहां से ट्रंकेट हो जाएं, रिमूव हो जाएं और आंसर आपको दिखे लाइक 67, 88 एंड सो ऑन। नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट कि यदि हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम ट्रंकेट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रंकेट मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, एक तो होता है फील्ड या डेटा जिसे हमें ट्रंकेट करना है और साथ ही साथ कितने डेसिमल पॉइंट्स को हमें रिमूव करना है वो नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स हमें एज ए सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहां पे मेंशन करना होता है।
सो इसका मतलब ये है, यदि आप देखें मार्क्स कॉमा वन, तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा इट विल बी लाइक 67.6. तो दिस इज नॉट करेक्ट. व्हेन यू सी सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट नेम देन ट्रंकेंड मार्क्स कॉमा जीरो, तो ऑब्वियसली जो इसका आउटपुट होगा वो 67 ही होगा. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. लेकिन जब ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान में दें, मैं बाकी ऑप्शंस को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. सेलेक्ट नेम ट्रंकेट मार्क्स कॉमा नल, यदि आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आंसर जितने भी मार्क्स हैं उनकी जगह में हर जगह आपको नल डिस्प्ले होगा. इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ट्रंकेट में केवल दो ही आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, सो डी भी हमारा यहाँ पे सही नहीं होगा. सो फाइनली वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी. एंड आई होप आपको ये सारे आंसर समझ में आ रहे होंगे, एज वेल एज आपको इस केस स्टडी की मदद से कुछ फंक्शंस का भी आइडिया लग रहा होगा. तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं. मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.